दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मैरासन सेशन में करंट अफेयर सीरीज में आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर है और ये पार्ट टू है इसमें हम हाँ आज हम पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी एयर पॉल्यूशन हुए वाटर पॉल्यूशन हुए लाइट पॉल्यूशन हुए उससे रिलेटेड कन्वेंसन जो इंटरनेशनल स्तर पर उन सभी को देखेंगे इसके पहले पार्ट फर्स्ट हुआ था और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें यू पी को देखते हुए टेस्ट सीरीज चल रही हमारी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट की और वो भी आप देखिए और उसके साथ आपको इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं एस या एन आई नाम से सर्च कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज करंट अफेयर सीरीज या हमारी क्लासेस कोई भी क्लासेस पसंद आ रही हो तो अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन सबसे सब पहले मिलेगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तो चलिए आज जैसा कि हमने बताया इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आज हम पॉल्यूशन को देखेंगे इसके बाद हम बायोडावर्सिटी को देखेंगे पार्ट थ्री में तो पॉल्यूशन में आज सबसे पहले एयर पोल्यूशन को देखेंगे क्योंकि एयर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ में क्या था तो एयर पॉल्यूशन में सबसे पहला न्यूज़ था कि नेशनल टारगेट फॉर न्यू न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी एन सी ए पी यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है हाल ही में भारत की केंद्र सरकार ने अपना नया लक्ष्य जो है एन के लिए 2024 में पहले जो है 20 से 30 परसेंट कमी करना निर्धारित किया गया था अब क्या किया गया है? 2026 तक जो है पी पार्टिकल्स में जो है फोर्टी तक जो है रिड्यूस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ठीक है थोड़ा सा एन के बारे में जो है देख लेते हैं तो जो 2019 का जब दो की शुरुआत हुई थी उसमें जो है ये आरंभ किया था इसका उद्देश्य जो है वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण निवारण हेतु एक व्यापक जो है मिटिगेशन प्रोग्राम जो है अडॉप्ट करना था शुरुआत में पीएम एम टेन और पीएम एम टू पॉइंट फाइव की सांता में 2024 तक जो है 20 से 30 परसेंट की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया दो का आधार वर्ष मानकर ठीक है इसके बाद इससे कुछ मुख्य विशेषताएँ थोड़ा सा देख लेते हैं तो एन के तहत अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कार्य योजना यानी प्लानिंग तैयार की गई है ठीक है इस कार्य योजनाओं को निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैं जैसे इसमें अगर बताएं तो जैसे इसमें क्या है वायु की गुणवत्ता संबंधी निगरानी नेटवर्क मजबूत करना वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जनों को कम करना इस बारे में लोगों को और अधिक जागरूक बनाना ठीक है और इसे जो है एक शहरों में लागू किया जाएगा ठीक है अब बाक़ी देख लेते हैं सबसे पहले एन के बारे में क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि फ़ीचर्स हमने इम्पॉर्टेंट जो था वो बता ही दिए अब इसकी उपलब्धियाँ अचीवमेंट की बात करें तो 2017 के की तुलना में 2021-22 में 95 जो है अर्बन सिटी में पी एम टेंट की क्षानता में समग्र सुधार हुआ है इसके अलावा पी एम टेंट जो है दिल्ली में किसानता दो सत्रह से में दो हज़ार इकतालीस माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी जो घटकर 2021 दो हज़ार इक्कीस में एक सौ वन नाइन्टी सिक्स ग्राम प्रति घन मीटर हो गई है अगर बात करें विफलताओं की या फेलोर की तो दिल्ली की वैश्विक स्तर पर लगातार चौथे वर्ष भी सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही इसके अलावा दुनिया के शीर्ष पचास प्रदूषित शहरों में पैंतीस भारतीय शहर शामिल रहे हैं ठीक है डब्ल्यू की जो वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में उल्लेख किया गया है कि पी एम की वार्षिक औसत क्षानता पाँच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए वर्ष 2021 में भारत का कोई भी शहर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया ठीक है इस आधार पर इसकी विफलताएं हैं अब इसमें जो है ये सभी फीचर्स दिए गए हैं अगर आपको इसमें पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक पोर्टल है प्राण यानी पोर्टल फॉर रेगुलेशन एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेंडमेंट सिटीज की बात कर रहा है इस पोर्टल का कारण ये निगरानी करता है ठीक है ये पोर्टल एन की निगरानी करता है कि तो ये कुछ न्यूज़ हो गई इससे रिलेटेड अन्य जो है कुछ न्यूज़ थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इसके बारे में अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं सेकंड न्यूज़ की बात करें सेकंड न्यूज़ क्या था नॉर्ट्स फॉर द थर्मल पावर प्लांट्स यानी टी पी एस एस क्यों न्यूज में था टी पी पी एस क्यों न्यूज में था तो सुर्खियों में इसलिए था कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सल्फर डाइऑक्साइड मानदंडों के अपनाने के, के लिए ताप विद्युत संयंत्रों ठीक है यानी थर्मल पावर प्लांट को दो वर्षों का और समय दिया है इस बारे में इसलिए ये न्यूज में था ठीक है अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें थर्मल पावर प्लांट की तो 2015 में 2015 में देखी गई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को द्वारा पार्टिकुलर मैटर यानी पीएम इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लेड तथा जल के उपयोग के लिए पर्यावरणीय मानदंडों को अनुसूचित किया था ठीक है इसके अलावा पर्या प्रारंभ में इन मानदंडों को 2017 तक लागू करना था बाद में 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया था अब सल्फर डाइऑक्साइड को लागू करने की समय सीमा सभी तीन श्रेणियों को थर्मल प्लांट के लिए और बढ़ा दी गई है ठीक है इसके अलावा हालांकि अगर पीएम पार्टिकल और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें उनके मानकों को पूरा करने के लिए अब समय सीमा को अपरिवर्तित किया गया है ठीक है मानदंडों का अनुपालन करने के लिए मौजूदा थर्मल प्लांट में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यानी एफ एच एफ जी डी ठीक है चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती आज ऐसे उत्सर्जन नियंत्रकों का प्रयोग करना अनिवार्य है अब बात करें एफ जी डी क्या है तो ये एक का एक ऐसा सेट है जिसका उपयोग करके जो है जीवाश्म ईंधन ठीक है जीवाश्म ईंधन संचालित संयंत्रों से उत्सर्जित फ्लू गैस और अन्य सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रक्रियाओं में होने वाले उत्सर्जन को सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने की प्रक्रिया है तो आपको ये ध्यान रखना है एफ जी डी क्या है ठीक है यानी फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन क्या है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जो की फीचर्स हैं जो ध्यान रखना है उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे तो इसमें ताप विदु संयंत्रों में के लिए सल्फ़र डाईऑक्साइड के जो है मानदंड जो है दिए गए हैं यानी अगर बात करें मानदंड की तो कैटेगरी ए की बात करें यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दस किलोमीटर के भीतर और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात करें तो उसमें दो हज़ार बाईस के अंत तक सल्फर उत्सर्जन के अलावा अन्य मानदंडों के लिए समय सीमा है इसके अलावा सल्फर डाईआक्साइड की डेडलाइन बात करें तो इसमें 2024 के दिया गया है और कैटेगरी बी में कैटेगरी बी में जो देखेंगे 2023 के अंत तक दिया गया है और इसमें जो है दो हज़ार बाईस का अंत इस ऐसी कैटेगरी जो है सेस रिमेनिंग प्लांट्स के लिए दो एंड ऑफ ट्वेंटी एंड ऑफ ट्वेंटी तो इसमें एक आपकी जिज्ञासा के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है क्या आप जानते हैं कि कोयले से चलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट वो जो हैं प्रवेशी वायु में आधी से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड सांता और 30 प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और इसके अलावा 20 प्रतिशत पी पार्टिकल का योगदान देते हैं ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सी ए क्यू एम पी क्यू न्यूज में है तो हाल ही में जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सी ए क्यू एम ने जनवरी 2023 से दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में कोयला के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ठीक है अब सी ए क्यू एम से रिलेटेड अन्य तथ्य देख लेते हैं सी ए क्यू एम ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए औद्योगिक घरेलू और अन्य विविध अनुप्रयोगों में कोयला के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है हालांकि जो थर्मल प्लाउन प्लांट से सल्फर की मात्रा कम वाले कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध की छूट दी गई है कोयले को के उपयोग पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन की तिथि की बात करें ठीक है तो कोयला का उपयोग पर प्रतिबंध एक अक्टूबर से पी यानी जो पा पाइप्ड नेचुरल गैस की अवसंरचना और आपूर्ति वाले क्षेत्रों में लागू होगा जहां पी की आपूर्ति भी अभी उपलब्ध नहीं है वहां यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 से लागू होगा ठीक है अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में सी ए क्यू एम के बारे में यानी कमीशन ऑफ फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में यह एक वैधानिक निकाय है ठीक है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत स्थापित किए गए हैं पहली बार 2020 में एक अध्यादेश जारी करके ये स्थापित किया गया है इसका अगर अध्यक्ष की बात करें चेयरपर्सन की बात करें तो पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों का कार्य अनुभव तथा पच्चीस वर्ष के प्रशासनिक अनुभव करने वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है अपील्ड की बात करें तो सी ए क्यू एम के आदेशों के निर्देशों को आदि एन जी टी में चुनौती दी जा सकती है इसके कार्य की बात करें तो यह वायु की गुणवत्ता की निगरानी करता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने नियंत्रित करने के लिए योजना बनाता है क्रियान्वित करता है या तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कार्य करता है ठीक है इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज में है इसको आप देख लीजिएगा ठीक है यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप इसके बारे में आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके अलावा बायोडिकम्पोजर कैप्सूल ये न्यूज में था क्यों था तो इसे जो है आई यानी भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो है विकसित किया गया है और यह कैप्सूल 15 से 20 दिनों के का पराली को खाद में बदलकर इसे अवगठन की प्रक्रिया है यह लाभकारी सूक्ष्म जीव का एक समूह बनाता है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है यानी किस किसके लिए संबंधित है बायोडिकम्पोजर कैप्सूल ये ध्यान रखना है बायोडिकम्पोजर कैप्सूल किसके लिए संबंध है पराली जनाले की समस्या को रोकने के लिए संबंधित है ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं डब्ल्यू का एयर क्वालिटी डाटा बेस की न्यूज में था डब्ल्यू ने अपने वायु गुणवत्ता डाटाबेस के लिए 2022 का अपडेट जारी किया है अब बात करते हैं 2022 के अपडेट के तो 2022 के अपडेट से पता चलता है कि लगभग संपूर्ण वैश्विक आबादी का यानी 99 नाइन परसेंट डब्ल्यू की स्वीकार गुणवत्ता सीमा से अधिक प्रदूषित वायु में सांस लेती है ठीक है इसके अलावा नया गुणवत्ता डाटाबेस पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत शांतता की वास्तविक माप प्रस्तुत करता है यह एक सामान्य शहरी प्रदूषक और पार्टिकुलेटर मैटर तथा तो ओजोन की पूर्ववर्ती घटक है अगर बात करें इसमें पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव के बराबर या उससे छोटे ब्यास के पार्टिकुलेट मैटर की माप भी शामिल है ठीक है अब थोड़ा सा डब्ल्यू एच के वायु गुणवत्ता निर्देश के बारे में बात कर लेते हैं इसमें जैसा कि सामान्य प्रदूषक बात करें जैसे पी ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के लिए एक जो है ये अनुशासित स्तर और अंतरिम लक्ष्य शामिल है इसे पहली बार 1987 में जो है जारी किया गया था इसका नवीनतम जो वैश्विक संस्करण 2021 में प्रकाशित हुआ था तो ये कुछ डब्ल्यू एच ओ के दो हज़ार की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस दी गई है ठीक है अब इससे रिलेटेड अन्य जो है न्यूज में था यानी नेशनल एयर रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यह न्यूज में था यह जो है भारत में जलवायु विभिन्न क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सूचना तंत्र है यह तंत्र सरकार की नगर पालिकाओं और स्टार्टअप और निजी कार्यो के निर्णय मदद करेगा ठीक है अब बाकी इसमें जो है इसमें दिया गया है आप पढ़ सकते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अन्य पहल यानी अदर इनिशिएटिव टू टैकल एयर पोल्यूशन तो सबसे पहले इसमें जो है भारत स्टेज सिक्स की चर्चा की गई है तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बी एस थ्री पेट्रोल वाहनों और बी एस फोर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है बी एस मानकों के बारे में थोड़ा सा बात करें तो बी एस जो होता है वो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दाहन इंजन उपकरणों में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं ठीक है ये मानदंड पूरे यूपी यूरोपीय उत्सर्जन मानकों पर आधारित होते हैं इसके अलावा फर्स्ट पहली बार बी मानदंड बी एस वन दो हज़ार में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद एक अप्रैल दो हज़ार बीस में बी एस सिक्स मानदंड अनिवार्य कर दिया गया है ठीक है अगर बात करें बी एस सिक्स का अनुपालन की बात करें पेट्रोल वाहनों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 25 प्रतिशत कमी करेंगे साथ ही इनके द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होगा बी एस फोर मानकों में यह 80 किलोग्राम प्रति मीटर था ठीक है इसके अलावा डीजल वाहनों की बात करें तीन प्रदूषक हाइड्रोकार्बन नाइट्रस ऑक्साइड पीएम पी एम पार्टिकुलेट मैटर या नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर को सत्तर प्रतिशत से कम करना है लागू कराने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समय सीमा और मानक निर्धारित करता है और इन मानकों का इन मानकों का वाहन निर्माताओं द्वारा पालन करना जो है अनिवार्य बना दिया गया है ठीक है अब बात करते हैं ट्रेम स्टेज फोर की यह क्यों में केंद्र सरकार ने कृषि उपकरणों के लिए ट्रेम स्टेज फोर उत्सर्जन मानदंडों को लागू करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है ट्रेम उत्सर्जन मानक की बात करें तो ये 2022 अप्रैल 2022 से 50 हार्स पावर के बड़े इंजन वाले ट्रैक्टरों पर लागू होते हैं ठीक है थीके? इसके विपरीत जो 50 हार्स पावर से कम क्षमता वाले इंजन हैं यानी जो समग्र उद्योग का बड़ा हिस्सा है वो ट्रेम थर्ड ए मानदंडों पर शामिल होंगे वर्तमान में ट्रेम थर्ड ए उत्सर्जन मानदंडों के विभिन्न एच श्रेणियों वाले ट्रैक्टरों पर लागू किए गए हैं ठीक है थीके? एक अप्रैल दो हज़ार से जो है भारत स्टेज पाँच मानकों के विभिन्न श्रेणी के इंजन शामिल है इनमें आठ किलोवाट के छोटे भी इंजन से लेकर पाँच सौ साठ किलो वाट के बड़े इंजन तक शामिल है ठीक है नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो पोलिटाइजेशन एंड ट्रॉफिक्सन यह क्यों न्यूज में है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन एंड टॉर्फेक्शन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा और इनके लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ये पेल्टाइजेशन है ये क्या है तो पेलटाइजेशन प्रक्रिया में कतरने सुखाने पीसने गो, गोला बनाने की प्रक्रिया शामिल है ठीक है इसके अलावा बात करें तो टॉरफेक्सन क्या टोरफेक्शन कार्बनिक बायोमास का तापी छरण है नेक्स्ट ग्रीन क्रैकर्स की थे पारंपरिक पटाखों के विपरीत जो है तीस परसेंट कम प्रदूषण करते हैं यानी एकदम ग्रीन क्रैकर नहीं है इनमें पोल्यूशन होता है उससे तीन परसेंट कम होता है तीस परसेंट कम होता है नॉर्मल पटाखों से इसके बेनिफिट क्या है इसको पता ही होगा यानी इसमें अगर बात करें तो ये उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करते हैं धूल कर औशोधित करते हैं इसमें बे, बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व तो जो है शामिल नहीं होते अब बात करें उत्पादक इनका उत्पादन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता करते हैं इसके अतिरिक्त बात करें तो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को यह प्रमाणित करने का दायित्व सौंपा गया है नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ब्रीथ लाइफ कैंपेन ये क्यों न्यूज में था तो 2016 में शुरू किया गया था यह एक वैश्विक अभियान है यह शहरों और और लोगों को हमारे स्वास्थ्य और जलवायु की रक्षा के लिए 2030 तक वायु प्रदूषण को सुरक्षित स्तर पर लाने की कार्रवाई प्रेरित करता है इसका नेतृत्व तो कौन करता है तो डब्ल्यू एच ओ यूनिप और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन के द्वारा किया जाता है भारत के कई शहर जैसे बेंगलुरु भुवनेश्वर देहरादून आज इसके स मतलब सदस्य हैं नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉल्यूशन के बारे में वाटर पॉल्यूशन वो तो एयर पॉल्यूशन के बारे में देख लिया गया वाटर पॉल्यूशन और उससे रिलेटेड जो है कंजर्वेशन की बात करते हैं तो पहला न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 तो देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में था यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर 2022 पेरिस में जो है ये संपन्न हुआ थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं तो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था तो इस ये ऑर्गेनाइज गिवन वाटर यूनेस्को और इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर यानी आई द्वारा जो है ये किया गया था इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भू जल पर ध्यान आकर्षित करना शिखर सम्मेलन में जो है 2022 में यूएन वाटर द्वारा चलाए जा रहे ग्राउंड वाटर मेकिंग इनिशिएटिव विजिबल अभियान का समापन समापन किया गया ठीक है इसके अलावा शिखर सम्मेलन में जल के अधिक जिम्मेदारी पूर्ण और सस्टेनेबल उपयोग के संरक्षण और कंजर्वेशन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2022 का आधार रेखा के रूप में उपयोग किया गया था ठीक है 2020 में एस डी जी सिक्स एस डी जी सिक्स जी के पांच स्तंभ जारी किए गए थे इनके नाम की बात करें तो क्या है तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट इनोवेशन फाइनेंस एंड गवर्नेंस ठीक है ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है ये भू जल शैलो और मृदा परतों में भंडारित जल है पृथ्वी पर तरल अवस्था में ताज़े पानी का 99 नाइन प्रतिशत हिस्सा जो है ग्राउंड वाटर के रूप में मौजूद है इससे रिलेटेड और न्यूज़ की बात करें तो उससे पहले हम एक देखते थे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू एन वाटर के बारे में तो यू एन वाटर या मीठे पानी और स्वच्छता से संबंधित मामलों के लिए यू एन का यू एन का एक अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र है ठीक है आई जी ए आर आर ए सी की बात करें तो यूनेस्को का एक केंद्र है या विश्व यानी डब्ल्यू एम ओ विश्व मौसम संगठन के अधीन करता है इसे नीदरलैंड के फाइनेंस मिलता है यह भूजल संसाधनों के क्षेत्रीय और सीमा पारी स्तर के आकलन की निगरानी करने के लिए विशेष संगठन है आईजीआरएसी एक प्रमुख उत्पादकों में से वैश्विक भूजल सूचना प्रणाली है है ठीक इससे रिलेटेड की बात करें तो एक न्यूज था डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स आ, रिपोर्ट दो किसके द्वारा रिलीज किया गया यह ध्यान रखना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ठीक है केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य संघ क्षेत्रों में संयुक्त रूप से समय समय पर भूजल संसाधन आकलन जारी करते हैं ठीक है कुछ टॉर्मनोल शब्दावली जो है दिए गए जैसे अगर बात करें तो अधिदोहन यानी ओवर एक्सप्लॉयड क्या है थे? तो इसमें एक वर्ष में भूजल जितना पुनर्भर होता है उससे अधिक जल का निकासी अधिदोहन कहा जाता है इसके अलावा क्रिटिकल गंभीर परिस्थिति के बारे में क्या है तो वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका नाइन्टी से हंड्रेड परसेंट दोहन सुरक्षित स्थिति जानी जाती है सेफ क्या है सेफ कैटेगरी में किसमें आता है भू जल भरण का सत्तर परसेंट से कम से कम दोहन सुरक्षित हो ठीक है तो ये भी एक उससे रिलेटेड जो है न्यूज दिया गया है जो हमने बताया था कि डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असमेंट रिपोर्ट उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन ये न्यूज में क्यों था दो तो के यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग के वाटर कंट कन्वेंसन यानी जल अभिसमय की तीसवीं वर्षगांठ है वाटर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन द ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ द ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992 के बारे में जो है ये है तो इसके बारे में बात करें थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपाय है और एक अंतर सरकारी भी मंच है इसे 1992 में जो है 1992 में जो है हेलेंसकी ने अप में अपनाया गया था और 1996 में लागू हुआ था प्रारंभ में इसे एक क्षेत्रीय उपाय के रूप में लागू किया गया था 2016 में इसे संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया था अब तो इसके उद्देश्य की बात करें इसका उद्देश्य है ट्रांसबाउंड्री वाले जल संसाधनों के जो सस्टेनेबल उपयोग के लिए सुनिश्चित करना यानी दो या दो से अधिक देशों में विस्तृत झील नदी घाटियाँ जल भंडार आदि के ट्रांसबाउंड्री जल संसाधन कहते हैं ठीक है इसमें शामिल जो पक्षकार देश होते हैं उनको ट्रांसबाउंड जल उचित और न्यायसंगत उपयोग के साथ साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट के भी अनिवार्य किया जाता है इसके अलावा किसी अगर ट्रांसबाउंड्री वाटर रिसोर्स के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को संबंधित समझौते और संयुक्त निकायों की स्थापना करने के लिए सहयोग करना होगा और वाटर कंजर्वेशन यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स जो है यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात जिसमें करता है और लक्ष्य सिक्स के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संसाधन है ठीक है अब इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज की बातें देख लेते हैं वर्ल्ड वाटर फोरम दो में वाटर कन्वेंशन द्वारा नौवे वर्ल्ड वाटर फोरम में पहली बार ट्रांसबाउंड्री पवेलियन का आयोजन किया गया नौवे वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन सेनेगल के डाकर में शहर में हुआ वर्ल्ड वाटर फोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो जल से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है यह उन्नीस के प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है फोरम में मुख्यता जो है अंतर्राष्ट्रीय जल समुदाय और प्रमुख निर्णय निर्माताओं को वैश्विक जल संबंधित चुनौतियों पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं एक सेकेंड तो भारत इसका मेंबर नहीं है सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है क्या भारत इसका मेंबर नहीं है इसे उन्नीस में यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन आर्थिक एवं सामाजिक काउंसिल जो है उसके द्वारा की गई थी उद्देश्य की बात की उद्देश्य तो बत, बात बताई कि ये जो है संपूर्ण यूरोपीय क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है ठीक है यानी इसका जो मेंबर जो है भारत नहीं है यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट न्यूज की बात करें अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स ये क्यों न्यूज में था तो बात करें अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स की तो इसके शीर्षक से एक पुस्तक जारी की गई यह पुस्तक निम्नलिखित सं, संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा संकलित है जिसमें कौन कौन शामिल है अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय जल पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान ठीक है इसके अलावा अगर बात करें इसके बारे में तो ये जो है इसके अलावा इसमें यह शामिल होगा इसके अलावा इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एक्स फ्लेक्सेज एंड रिसोर्स और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन यानी ये तीन संगठन इसमें शामिल है इसको जारी करने वाले अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं तो अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स में आमतौर पर युक्त जल खारा जल कृष्ण सिंचाई के लिए अप अपवाही जल उपचारित और अनुपचारित अवशिष्ट जल प्रवाह आज शामिल है इस जल का उपयोग के लिए अधिक जटिल प्रबंधन पद्धतियां, कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है यह पुस्तक अपरंपरागत जल संसाधनों के निम्नलिखित छह व्यापक श्रेणियों की पहचान की गई है ठीक है और वो छह व्यापक श्रेणियां क्या हैं उसको पहले हम आपको आगे दिखा देते हैं तो छह व्यापक श्रेणियों की पहले बात कर लेते हैं तो छह व्यापक में सबसे पहले हम आपको बताएं कौन कौन सा आता है क्लाउडेड सीडिंग या वर्षा वृद्धि और कोहरा संचयन द्वारा वायु भूमि का जल का संचयन पहली श्रेणी हो गई दूसरी श्रेणी हो गई कोहरे के संचयन और सूक्ष्म जल ग्रहण के क्षेत्र में वर्षा जल संचयन को कम लागत तथा निम्न प्रभाव वाले तरीकों के रूप में चिन्हित करना तीसरी तीसरी श्रेणी में आता है जो अलवड़ीकरण पद्धति यानी इस पद्धति में मानव उपभोग के लिए ताज़ा जल प्राप्त करने के अवशिष्ट जल को लवड़ अन्य खनिजों से अलग करना चौथी श्रेणी में आता है ताज़ा और खारे भूजल का यानी अब तटीय और तटवर्ती दोहन पांचवी श्रेणी में आता है उपयोग के लिए किए गए जल को पुनः उपयोग करना छठी श्रेणी में आता है जल को पानी की कमी वाले क्षेत्रों से पहुंचाना छठी श्रेणी में आता है ठीक है सॉरी छठी श्रेणी में आएगा जल वर्षा जल का सूक्ष्म स्तर पर संचयन करना तो ये जो है इस बुक में छह श्रेणियां निर्धारित की गई है इसके अलावा जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ सुर्खियों के बात कर लें तो ग्रे वाटर जो है न्यूज में था ग्रे वाटर क्या है तमिलनाडु के पप्पनकुड़ी गाँव में ग्रे वाटर प्रबंधन सिस्टम को हंड्रेड स्तर पर लागू किया जा रहा है ग्रे वाटर को अपशिष्ट जल के रूप में प्रभावित किया जाता है इसमें स्नान शावर हैंडवाश बेसिन वॉशिंग मशीन और डिश वाटर किचन सिंक से जो भी अवशिष्ट जल शामिल होते हैं इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जा सकता नहीं किया जाता ये आपको ध्यान रखना है यानी शौचालय से जो जल निकलते हैं इसको शामिल नहीं किया जाता इसको छोड़कर और जल शामिल है अब इसके थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं इससे पर्यावरण में होने वाले संभावित नुकसान को रोका जा सकता है या ताज़े जल को मांग को कम कर सकता है यानी इसको रिसाइकल द्वारा इसके अलावा वर्षा जल के संचयन के विपरीत ग्रे वाटर विश्वसनीय जल है इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है इस प्रकार इससे सिंचाई का उपयोग किया जा सकता है तो यह एक बेहतर पोषक तत्व और उर्वरक स्रोत बन सकता है नेक्स्ट न्यूज क्या है हैवी मेटल के बारे में यानी भारी भारी धातु संदूषण के बारे में जो है न्यूज में है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार पचहत्तर परसेंट नदी निगरानी स्टेशनों में भारी धातु प्रदूषण यानी संदूषण की सूचना दी गई है ठीक है इसके बारे में और बात कर लेते हैं तो 117 नदियों और सहायक नदियों में विस्तारित एक चौथाई निगरानी स्टेशनों में दो या दो से अधिक विषाक्त धातुओं के उच्च स्तर की रिपोर्ट की गई है सात राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में खतरे में है जैसे असम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम बिहार हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख ठीक है भारी धातु के बारे में आपको पता होगा उससे पहले सामान्य भू सामान्य भूजल संदूषक और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले पॉल्यूटेड मटेरियल के बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले आर्सेनिक वो क्या प्रभाव डालता है ये आपको ध्यान रखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में ये अलग पूछ ही लेता है यहाँ नहीं तो स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है आर्सैनिक क्या प्रभाव डालता है मानव स्वास्थ्य पर तो इसे कौन सा नामक रोग होता है तो इसे ब्लैक फूड डिजीज होती है ये इसमें मेलानिसिस कोरोटिसिस हाइपर कोरोटिसिस जैसे दर्दनाक विकृत त्वचा संबंधी विकार लीवर किडनी बीमारी हृदय फेफड़ों की बीमारी कई प्रकार के कैंसर होने वाले मौतें हैं इसमें ठीक है आर्सैनिक से ब्लैक फूड डिजीज़ होती है इसके बाद फ्लोराइड फ्लोराइड से क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है मानव के इसे स्केल्टल फ्लोरोसिस नामक रोग होता है जो डेंटल फ्लोरोसिस आदि इसके अलावा अगर बात करें मैग्नीज़ इससे क्या बौद्धिक विकास बाधित होना शामिल है यूरोनियम से क्या होता है अगर बात किडनी खराब हो जाए कैंसर खतरे में वृद्ध होती है नाइट्रेट नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम ठीक है यानी कोलेक्ट्रल कैंसर थायराइड रोग न्यूरल ट्यूब विकार आदि खतरा बढ़ जाता है इसके अलावा इसमें एक नहीं लिखा गया है पी एफ एफ एस यानी भ्रूड़ और स्तनपान कराने वाले शिशुओं के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वृक्षण और किडनी में कैंसर लीवर की क्षति प्रतिरक्षा अच्छा सिस्टम और थाइराइड संबंधी प्रभाव कोलेस्ट्रॉल संबंधी अन्य परिवर्तन शामिल है ठीक है इन प्रदूषणों को शामिल होने से जो है कंटेनमेंट मिलने से जो है ये सब जो है विकार हो सकते हैं अब थोड़ा सा भारी धातु के बारे में जान लेते हैं तो भारी धातुएँ जो हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व हैं ठीक है इनका परमाणु भार अधिक होता है साथ ही इनका जो जल का घनत्व होता है कम से कम पाँच गुना अधिक होता है जो हैवली इफेक्ट भारी धातु हैं जिसमें पी बी सीसा निकिल कैडमियम आर्सेनिक, क्रोमियम तांबा शामिल है अब भारी धातुओं के संपर्क में आने से अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले प्रभाव जो है हेल्थ पर देख लेते हैं हेल्थ पर क्या होता है इसके संपर्क में धीरे धीरे शरीर की मांसपेशिया तंत्रिका संबंधी अप्छयी प्रक्रिया बढ़ती हैं इससे अल्जाइमर पार्केसिंग आदि रोग का खतरा बढ़ जाता है इन्वायरमेंट का प्रभाव क्या पड़ता है कार्बनिक प्रदूषकों के जैविक निम्नीकरण की क्षमता प्रभावित होती है इसमें वे कम अपचयी हो खारी हो जाते हैं पौधों पर प्रभाव क्या पड़ता है मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है प्रकाश अक्षण प्रक्रिया बाधित होती है ठीक है 2021 में आईआईटी मंडी ने जल के नमूनों में भारी धातुओं के अलग करने के लिए एक बायो पॉलीमर आधारित सामग्री का उपयोग करके एक रेसेदार फिल्टर यानी फाइब्रस मेम्बर फिल्टर विकसित किया ठीक है अब ये इसी से रिलेटेड कुछ अदर न्यूज है यानी लीड पॉइजनिंग लेड पॉइजनिंग सॉरी लेड पॉइजनिंग यानी सीसा विषाक्तता जिसे हिंदी में कहते हैं ये है क्या यानी सीसे का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है लेड का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है लेड से हल्के प्रभाव आने से सिर दर्द जी मचलाना चिड़चिड़ापन थकान पेट पैर दर्द ये सब चालू हो जाता है समय से पहले जन्म ठीक है जन्म के समय कम वजन न से जाता प्रभाव लेड के संपर्क में आने से शरीर में एनीमिया का खतरा बढ़ता है ठीक है शीशे में अधिक प्रभाव आने के कारण विशेषकर बच्चों में मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है आईक्यू लेवल कम हो जाता है तो ये सब लेड के प्रभाव हैं तो सबसे पहले अगर इसको ध्यान लेते हैं यह सोर्स ऑफ लेड की बात कर लेते हैं लेड जो होता है वो कृष्ट के प्रकृति रूप में पाई जाने वाली विशाख विषाख धाकुत्तु है खनन प्रगलन शोधन में इसका उपयोग किया जाता है घरेलू उत्पाद जैसे अगर बात करें कि इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, में आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है इसका उपयोग किया जाता है अब वैज्ञानिक रिसाइकलिंग कार जो है इसमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स और बैटरियों में भी लेड का उपयोग किया जाता है मिट्टी से बनी धातुओं में जो है पोल्ट्रीज में जैसे अगर बात करें चमकदार बर्तन चीनी मिट्टी के पात्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है तो हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार सीसा विषाखता के कारण विश्व में सर्वाधिक स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ भारत पर वहन किया बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ये जो है सीसे से यानी लेड से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है राज्य है और इसकी अगर बात करें तो सीसा विशासक्ता के बारे में रिपोर्ट जो है नीति आयोग और सी ने संयुक्त रूप से तैयार किया है तो ये पूरा इसका एक ओवरव्यू हो गया नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो इसमें क्यों न्यूज में है पर एंड पॉलीक्लोरो अल्काइल पदार्थ ठीक है पर एंड पॉलीक्लोरो सब्सटेंस क्यों न्यूज में पी तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के कई स्थानों पर वर्षा का जल पर वर्षा का जल पी एफ ए एस से प्रदूषित है ठीक है अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं पी एफ एस एक प्रकार का रसायन है जिसमें आंशिक और पूर्णता क्लोरीन युक्त कार्बनिक श्रृंखलाएं पाई जाती हैं ठीक है अगर कार्बन फ्लोरीन की बात करें तो इन मजबूत बॉन्ड के कारण या पर्यावरण में दीर्घकालिक रूप से बने रहते हैं और इसके डिकम्पोजिशन में अत्यधिक समय लगता है इन्हें फाइबर केमिकल्स या चिरस्थायी रसायन भी कहा जाता है थोड़ा सा पी एफ ए एस के से जुड़े जो है मुद्दे के बारे में बात कर लें तो उसके पहले एक आपको और न्यूज़ में बता दें इसमें क्या है पर फ्लोरोऑक्टेन यानी सफ्लोनिक एसिड पी एफ ओ एस तथा फ्ल। पर फ्लोरो एसिड यानी पी एफ ओ एस जैसे पी एफ एस के अस्थाई कार्बनिक प्रदूषक स्टॉक होम समझौते के तहत सूचीबद्ध किया गया इसके तहत सदस्यों पर इसके उत्पादन और इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले हम पी एफ एस के आम उपयोग की बात कर लें कहाँ कहाँ यूज किया जाता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में पकाने में अग्निशामक फोम में पानी और तेल प्रूफ पर जो है जैकेट बनाने में इसके अलावा अगर बात करें दाग प्रतिरोधी कॉलिन बनाने में और इसके अलावा जैव नासिक घरेलू यानी हाउस होल्ड गैजेट्स बनाने में सफाई अभिकर्मक बनाने में फूड पैकेजिंग में इसका इसमें इसका प्रयोग किया जाता है तो आप बात कर लेते हैं प्रयोग से जुड़े मुद्दों की कंसर्न एसोसिएटेड यूज ऑफ पी एफ एस तो जैसा कि आपको पता ही अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है पर्यावरण में सतत उपस्थित के कारण ये व्यक्तियों की और पशुओं की रक्त में पाए जाते हैं वे स्वास्थ्य खतरों से जुड़े उच्च जोखिम को बढ़ावा दे सकते हैं जैसे अगर बात करें कैसे तो इसमें जैसे जो फर्टिलिटी होती है उसको कम कर सकते हैं बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं हार्म बॉडी हार्मोन्स पर प्रभाव डालते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करने में प्रभाव डालते हैं लीवर डैमेज हो सकता है किडनी और टेस्टिकुलर जो है कैंसर हो सकता है ठीक है और इसे जो है कैप्चर और डिस्ट्रॉय करना जो है कठिन है अब इससे रिलेटेड अन्य न्यूज़ देख लेते हैं अदर वाटर पॉलिटेंट इन न्यूज़ तो नोनी फोनिल यह न्यूज में था इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक अध्ययन में संपूर्ण भारत में पेयजल में विषाक्त रासायनिक यानी एनपी की उच्च उपस्थित का पता चला है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका उपयोग से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यह एक अंतःस्रावी विघटनकारी तत्व होता है यह जन्म दोष त्वचा तो अच्छा और आँखों के जलन आज ऐसे प्रदूषकों के लिए प्रभाव होता है अब नेक्स्ट जो है प्रदूषक की बात करें एंडोसल्फान तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान के प्रयोग से पीड़ित पाँच पीड़ितों को पाँच लाख रुपए के मुआवजे की बात की गई तो ये न्यूज आप जरूर ध्यान में रखिएगा एंडोसल्फान एंडोसल्फान एक ऑर्गेनोक्लोरिन बायोसाइड है इसका उपयोग न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा करके कीटों को घुनों को यानी जो घुन घुन होते हैं उनको नियंत्रित किया जाता है इसका छिड़काव कपास काजू फल चाय और तंबाकू आज फसलों पर किया था दो में जो है सुप्रीम कोर्ट ने दीर्घ अस्थायी कार्बनिक प्रदोषों पर स्टॉक होम अब समय के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था ठीक है इसके अलावा इसके बाद में तो एलाक्लोर डाइलोक्लोरोक्लोर फॉस्मिडान मैथाइल फैर थियान, फोरेट ट्राइजोफिस भी दिसंबर 2020 से पूर्णतः प्रतिबंधित है ठीक है नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो क्लोरोपायरिस और फ्रिप्रोनील एट्राजीन और पैराकाट या गैर लाभकारी संस्था पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क के ने एक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों में यह पदार्थ का अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है इनके उपयोग से भारत में कीटनाशक वियनामक की बात करें तो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड पंजीकरण समिति द्वारा की गई सिफारिशों की तुलना तो में बहुत अधिक है अगर बात करें जो पहला प्रदूषक है क्लोरो पारिफिकास पारिफिकास की यह उपयोग पत्तों और मिट्टी के उत्पन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है ठीक है सेकंड प्रदूषक की बात करें तो एफ्रोनिल इसका उपयोग जो है चीटियों और मूंगों तिलचट्टे पिस्ू आदि के नियंत्रित करने के लिए जाता है एट्राजीन की बात करें तो एटराजिन जो है इसका उपयोग करके जो है वार्षिक घास और चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को चयनित करने के लिए किया जाता है इसके अलावा अगर बात करें परक काट की एक, एक एक ये जो है क्या है हर्बिसाइड है यानी है इसका उपयोग मुख्य रूप से खरपतवार और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्या न्यूज में था माइक्रो प्लास्टिक तो भारतीय विज्ञान संस्थान के अध्ययन से चेतावनी दी गई है कि कावेरी नदी में माइक्रो प्लास्टिक की उपस्थिति से मछलियों को नुकसान पहुंच रहा है अगर बात करें माइक्रो प्लास्टिक का आकार की तो माइक्रो प्लास्टिक का आकार पाँच मिलीमीटर से कम होता है और इनमें माइक्रोफाइबर यानी सबसे प्रचुर मात्रा में इसके अलावा टुकड़े छर्रे फ्लैग्सीट आदि शामिल होते हैं ठीक है अब कुछ टर्म के बारे में आपको बता देते हैं रमन स्टेटोस्कोपी ये क्या है ये जो है एक ध्वंसात्मक रसायन विश्लेषक तकनीक है यह रसायन संरचना चढ़ और आणविक प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक जानकारी देता है नेक्स्ट बात करते हैं नैनो प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं तो नैनो प्लास्टिक क्यों न्यूज में है? शोधकर्ताओं ने जीवों में नैनो प्लास्टिक की मात्रा में पता लगाने के लिए मापने के लिए एक नई धात्विक फिंगरप्रिंट आधारित विधि विकसित की है इस अध्ययन से जो है रिसर्चर जो है सलाद पत्ता जैकि पौधे को पर्यावरण के सामान्य सामान्यता पाए जाने और प्लास्टिक अपशिष्ट में से पॉलिस्टाइनिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो से संपर्क में लाए थे नैनो प्लास्टिक, प्लास्टिक के अत्यंत होते हैं। इनका आकार है। एक एक है। को सूजन, सूजन का है। साथ ही यह समुद्री जीवों के विकास में बाधा और लार्वा विकृत अन्य विषाताओं को प्रभावित करता है नेक्स्ट न्यूज की बात करें अर्थ गंगा की न्यूज में था तो हाल ही में यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अर्थगंगा अवधारणा के तहत नई पहलों की शुरुआत की गई है इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित किया गया अर्थगंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं इसकी अवधारणा जो है दो में जो है कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी यह अवधारणा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों को जारी करने के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने केंद्रित है नमामि गंगे गंगा और उसके सहायक नदियों को साफ करने के लिए सरकार द्वारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ठीक है उद्देश्य की बात करें तो अर्थगंगा परियोजना का उद्देश्य गंगा बेसिन क्षेत्रों का विकास करना ताकि इन क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद का तीन परसेंट योगदान दे सके यह अनुमान लगाया गया है कि इनमें पाँच वर्षों में एक हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक लाभ होगा हालांकि गंगा की सफाई आज तक नहीं हो सकी अर्थगंगा के तहत गतिविधियाँ और उसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो संस्था का क्षमता का निर्माण करना जीरो बजट प्राकृतिक खेती इसके अलावा अगर बात करें तो जो मल गांध अवशिष्ट जल का जो है मुद्रीकरण पुनर् उपयोग आजीविका सृजन के अवसर जन भागीदारी इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देना अर्थगंगा के तहत शुरू की गई नई पहलों की बात करें तो जलज और इसके अलावा जलज में क्या है इसकी शुरुआत छब्बीस स्थानों पर की गई ये स्थान उन राज्यों में स्थित है जहाँ से गंगा नदी गुजरती है ठीक है इसके तहत छोटी छोटी दुकानों प्लोटिंग मोबाइल केंद्रों के की स्थापना जा की जाए इसका उद्देश्य गंगा नदी के तटों के आसपास आजीविका के अवसर प्रदान करना इसके अलावा एन और सलाहकार भारती के बीच समझौता ज्ञापन एम यू यू साइन हुआ गंगा नदी प्रवाह वाले पाँच राज्यों में पचहत्तर प्रतिशत सहाकार ग्राम गंगा ग्रामों की पहचान की गई इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के मध्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना साथ ही गंगा ब्रांड के तहत प्राकृतिक खेती जैविक उत्पादों विपणन मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना तीसरा क्या है पर्यटन संबंधी पोर्टल जो है आई एम अवतार की शुरुआत की पर्यटन को सुविधाजनक बनाना स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना गंगा के घाटों एवं एनएमसीजी द्वारा स्थापित की गई आने पर संपत्तियों के सस्टेनेबल को सुनिश्चित करना तो ये कुछ इसकी नई पहले हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूज है इसको आप पढ़ लीजिएगा एक सेकंड पहले बता दे क्या क्या है इसमें इसमें है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी जो है न्यूज में थी ठीक है स्टॉक होम वर्ल्ड वाटर वीक 2022 इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें अदर इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन तो भारत टैप यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है ठीक है ये कंडक्ट किया जा रहा है अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मर 2.0 पॉइंट अमृत एंड स्वच्छ भारत मिशन टू पॉइंट जीरो एम क्या है इसका एम है भारत में टैप पहल का उद्देश्य कम जल प्रवाह वाले सेनेटरी वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराना सेकंड क्या है निर्मल जल प्रयास तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद माही की पहल निर्मल जल प्रयास को लॉन्च किया इसका उद्देश्य क्या है एम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा तो इसका उद्देश्य है भूजल का मानचित्रण करना और प्रतिवर्ष पाँच करोड़ लीटर जल की बचत करना ठीक है नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जल पुरस्कार न्यूज में है नेशनल वाटर अवार्ड्स की तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया ये फोर्थ जो है नेशनल वाटर अवार्ड है इसके अलावा जो है इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य जनता को जल के महत्व के बारे में जागरूक करना नेक्स्ट न्यूज की बात करें जलदूत ऐप तो जलदूत ऐप यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा डेवलप किया है इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है चयनित गाँवों को भू जल स्तर में पहचान करना नेक्स्ट क्या है स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है ठीक है स्वच्छ सुजल प्रदेश प्रमाणन जल शक्ति मंत्रालय है तीन महत्वपूर्ण घटक हैं जिसमें अगर बात करें सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस इसके अलावा क्रॉस कटिंग इंटरवेंशन नेक्स्ट न्यूज की बात करें पेयजल सर्वेक्षण तो अंडमान सॉरी पेयजल सर्वेक्षण की बात करें तो इसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जो है कंडक्ट किया गया है और यह अमृत 2.0 के तहत जो है यह सर्वेक्षण जो ज़मीनी सर्वेक्षण शुरू किया गया है पेयजल सर्वेक्षण या अमृत मिशन के लिए एक निगरानी उपकरण एक त्वरक के रूप में कार्य करेगा इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है एक सेकेंड उद्देश्य इसका है पेयजल सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच स्वास्थ्य पर्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसके की फोकस एरिया की बात करें तो इसमें जल उपयोगिता सेवाएं प्रयोग जल उपयोगिता सेवाएं जल निकाय स्वच्छ जल और सर्वोत्तम अभ्यास नवाचार ये सब शामिल हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रदूषण की लैंड लैंड डिग्रेडेशन की यानी भू निम्नीकरण से रिलेटेड क्या न्यूज में सबसे पहला न्यूज़ है इसके रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था आपको याद हुआ होगा कि उसको क्या कहते थे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक डिजर्टिफिकेशन यानी यू ठीक है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मरुष्टिकड़ रोकथाम कन्वेंशन के पक्षकारों ने कॉप फिफ्टीन का पंद्रहवा सत्र कोडे डी आइवरी के अबीदाजान में संपर्क हुआ यानी आइवरी कोस्ट है अफ्रीका में वहाँ पर संपन्न हुआ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये जो है कॉप में कॉप दो एक से द्विवार्षिक रूप से अपनी बैठक आयोजित करता है कॉप फिफ्टीन की जो थीम थी लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम सिक्रेटली टू प्रॉस्पेरिटी ये इसकी थीम थी ठीक है इसके अलावा कॉप फिफ्टीन के बारे में बात करें सरकारों और निजी क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी नेतृत्वकर्ता और दुनिया भर के अन्य प्रमुख हिदारों को एक मंच पर लाएगा भविष्य में भूमि के प्रबंधन की प्रगति पर विचार करेगा दो हजार सम्मेलन भारत ने, ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर को लैंड डिग्रेडेशन भूमि को पुनर्बहाली का रखा था रिस्टोर करना था यह आपको टारगेट याद रखना है कॉप फोर्टीन की थीम क्या थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर तो आप में इसमें क्या रखना है याद रखना है थीम और उसके अलावा उसके जो भारत ने अपना रिस्टोर ट्वेंटी सिक्स मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेशन लैंड बाई टू ये कॉप फोर्टीन में किया गया था ये चीज़ याद रखना है अब कॉप फिफ्टीन के प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो नई कमिटमेंट की गई है नई कमिटमेंट में क्या है 2030 तक एक अरब हेक्टेयर डिग्रेडेड भूमि का पुनर्स्थापन 2022-24 के लिए सूखे और एक अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना की जाएगी इसके अलावा प्रारंभिक चेतावनी जोखिम मूल्यांकन सहित योजनाओं नीतियाँ डिजाइन किया जाएगी रेत और धूल तूफान तथा अन्य बढ़ते आपदाओं को समाधान किया जाएगा इसके अलावा इंश्योर किया जाएगा कि रियो सम्मेलन के तीन सत्रों यानी जो एक है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इसके अलावा यूएनसी और जलवायु परिवर्तन पर, पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बीच अधिक से अधिक समन्वय स्थापित किया जाएगा नए डिक्लेरेशन की गई कुछ अब डिक्लेरेशन के बारे में एक ध्यान रखना है किससे संबंधित अभिदाजन अभिदाजन है, जो है ये आपको ध्यान रखना है तो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन डिजर्टिफिकेशन है उससे संबंधित है ये दीर्घकालिक पर्यावरणीय सस्टेनेबल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र अध्यक्ष सरकारों को प्रमुख को जारी किया गया है भूमि के सफलतापूर्वक पुनर्स्थापन यानी रिस्टोर करने के लिए लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए आबिद जान घोषणा पत्र जारी किए गए हैं ठीक है थीके? तो ये आबिद जान काल क्या है इसको संबंध किससे है आपको ध्यान रखना है डेजर्टिफिकेशन वाले से यानी यू एन सी सी डी से कॉप फिफ्टीन जो है उसमें भूमि और जीवन की विरासत घोषणा है या यू एन सी सी डी की प्रमुख रिपोर्ट वैश्विक भू दिश टू के निष्कर्षों को संशोधित करता है अदर रिलेटेड पहल की बात करें तो ड्रॉट इन नंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिपोर्ट जो है जारी की गई इसके अलावा भूमि के लिए व्यवसाय पहल और साहल प्रदेश जो है अफ्रीका में सोर्सिंग चैलेंज इसके बारे में बात की गई ड्राट लैंड के बारे में बात की गई ये ये यू का नया जन जागरूकता अभियान है नेक्स्ट पॉल्यूशन की बात करें लाइट पॉल्यूशन लाइट पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या न्यूज़ में है तो 2022 में हाल ही में इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक का आयोजित किया गया ठीक है थोड़ा इसके बारे में लेते हैं डार्क स्काई वीक के बारे में तो यह एक वार्षिक सम्मेलन है ठीक है इसके टारगेट की बात करें एम की बात करें तो यह प्रकाश प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रात्रिकालीन आकाश में आनंद उठाने के लिए आयोजित किया जाता है प्रकाश प्रदूषक जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये प्रकाश प्रदूषण से आशय अत्यधिक व मानव अत्यधिक व गलत दिशा में बाधा डालने वाले कृत्रिम आमतौर पर आउटडोर प्रकाश से है प्रकाश के घटकों में निम्नलिखित शामिल है यानी इसमें कौन कौन कंपोनेंट शामिल है तो इसमें देखेंगे ग्लेयर तीव्र प्रकाश इनकी चमक से अध्यधिक होती है जो जो देखने में असुविधा पैदा करते हैं आकाशिक चमक यानी स्काई ग्लो इससे क्या होता है आबाद क्षेत्रों में रात्रि में आकाश का चमकना पाँच तीसरा क्या है प्रकाश के अनुचित प्रयोग वैसी जगहों पर प्रकाश का उपयोग किया जाना जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं होती चौथा है प्रकाशी अव्यवस्था प्रकाश स्रोतों पर भ्रामक अधिक समूह अब इसको जो है वे टू टैकल लाइट पॉल्यूशन यानी बात करें तो प्रकाश प्रदूषण को निपटने का तरीका है प्रदर्शनों और रोशनी के लिए एलईडी तकनीकों एवं हरित ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना अधिक चमक वाले विज्ञापनों से बचना ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करें प्रकाश प्रदूषण पक्षियों लोग कैसे प्रभावित करते हैं तो प्रकाश प्रदूषण जो है दिन और रात दोनों के समय सक्रिय रहने वाले पक्षियों कई प्रजातियों प्रभावित करते हैं प्रकाश के कारण जो है टकराव होता है ठीक है प्रकाश के कारण जो है दिशा में भ्रम होता है जैविक चक्र में बाधा डालते हैं इसके अलावा पार्स तंत्र में जो है बाधा डालते हैं मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है अब सेकंड न्यूज़ देखते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पांचवा जो पोल्यूशन है वेस्ट मैनेजमेंट वो क्यों न्यूज में है तो सबसे पहले न्यूज है एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंध करना बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक तो जैसा आपको पता है कई बार बैन हो चुका है दिल्ली में बैन है लेकिन यूज हो रहा है तो एकल उपयोग और प्लास्टिक को निर्मित अनेक वस्तुओं को 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है हालांकि आदर्शवादी बातें हैं व्यवहार में हुआ नहीं है ठीक है इसके लिए इतना न्यूज काफी है तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने कुछ समय पहले प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम संशोधन 2021 हज़ार इक्कीस किया इसके तहत उनका निर्माण आयत स्टॉकिंग और रिवर्ड बिक्री उपयोग प्रतिबंधित है कंपोस्टेबल प्लास्टिक का उत्पादों पर प्रतिबंध लागू नहीं है ठीक है काम खत्म इसका ज़्यादा इसके बारे में पढ़ना नहीं है तो ये है प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम दो इसके अंतर्गत प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएँ प्लास्टिक स्टिक की बात किया है पैकेजिंग यानी कटलरी वस्तुएं पैकेजिंग रैपिंग फिल्म अन्य जो है वस्तुएं जिनका बात करें तो 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक हैं यानी पीवीसी के बैनर स्टरर पॉलिसीन थर्माकोल ये सजावटी सामान ये सब जो है बैन है इसके अंतर्गत अब ये दिया इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है यानी जो कचरा प्रबंधन अधिनियम दो हजार इक्कीस के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन उसके बारे में दिया गया है तो हालांकि उसको आपको पढ़ना हो तो आपको पढ़ लीजिएगा अब बात करते हैं सरकार ने प्रतिबंध लागू कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं शुभांकर यानी मस्कट तो जनता के बीच अधिक जागरूकता फैलाने के लिए जो है व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए प्रकृति को जो है शुभांकर बनाया गया है हालांकि प्रभाव कुछ नहीं पड़ रहा है ई गवर्नेंस पोर्टल और ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के एकल उपयोग प्लास्टिक से उन्न प्लास्टिक औसद प्रबंधन के राष्ट्रीय डैशबोर्ड का आरंभ किया गया है ठीक है इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय राज्य स्तर पर स्थानीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग को प्रतिबंधित उत्पादन पर लगे उद्योग प्लास्टिक और कच्चे माल को आपूर्ति नहीं करेंगे अगर इससे रिलेटेड जो है सुर्खियों की बात करें तो महाराष्ट्र तमिलनाडु गुजरात भा, भारत के शीर्ष प्लास्टिक अवशिष्ट उत्पादकों में शामिल है ठीक है भारत के शीर्ष अवशिष्ट उत्पादकों में शामिल है इसके अलावा यह निष्कर्ष केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित है इसके अलावा देखते हैं पुनिस सागर अभियान यह क्या है यह के राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए या इस कदम का उद्देश्य पुण्य सागर अभियान और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटना है इसका अच्छा लक्ष्य है स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाना उन्हें समुद्र तटी और नदी किनारों पर स्वच्छता बनाए रखने का प्रोत्साहित करना इसके अलावा ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी जो सिनारी टू, टू, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओ ने जो है ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक पॉलिसी सीन रिटू टू रिपोर्ट जारी की है ठीक है मोटा मोटा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। हाल ही में पर्यावरण वन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई अवशिष्ट प्रबंधन 2022 नियम आसूचित किया है इन नियमों का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस द्वारा पद शक्तियों का प्रयोग करके आसूचित किया गया है इसके कुछ की प्रोविज़न देख लेते हैं तो परिभाषा की बात करें ई वेस्ट की परिभाषा की बात करें इसमें क्या क्या शामिल है इसके अंतर्गत ऐसे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें ऑफिस रूप में छोड़ दिया जाता है साथ ही इसमें वे उपकरण ऐसे शामिल होते हैं जिन्हें विनिर्माण नवीकरण मरम्मत प्रक्रिया द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए ये नियम किन पर लागू होंगे इनकी बात कर लेते हैं तो ये नियम जो है ई-अफसिस में शामिल प्रत्येक विनिर्माता उत्पादनों मरम्मत विघटन वाले पर लागू होंगे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रमाण पत्र जो है जारी किया जाता है थोड़ा सा ई अफसिष्ट प्रबंधन से जुड़े विनियमन के बारे में देख लेते हैं तो उन्नीस से पूर्व की बात करें इस अवधि से पहले ई अफसिष प्रबंधन कोई भी नियम कानून या रेगुलेशन नहीं था फिर आया उन्नीस से 2003 इसमें आया खतरनाक अवशेष प्रबंधन हैंडलिंग नियम इसके बाद 2008 आया 2008 में आया पर्यावरण के अनुकूल ई अफसेष प्रबंधन है अप्रैल 2008 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी राज्य सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए दो में क्या हुआ 2011 में ई अफसिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम लागू हुआ 2016 में ई अवशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किया गया उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन के अवधारणों को लागू किया गया फिर 2018 आया इसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 संशोधन लागू किया ध्यान रखना है ये किसके अंतर्गत ये शक्तियां प्रदान की गई हैं पर्यावरण मंत्र, वन मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है विनिर्माताओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्पादनकर्ताओं की क्या पुनर्चक्रण करने वालों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पढ़ लीजिएगा अब भारत में जो है ई अवशिष्ट उत्पादन की स्थिति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो है अवशिष्ट उत्पादक जो है भारत है भारत में लगभग चार मिलियन मीट्रिक टन ई ऑफिस यानि इलेक्ट्रॉनिक जो है वेस्ट का उत्पादन करता है 2050 तक इसका 40 गुना बढ़ने का जो है अनुमान है और इसमें क्या क्या शामिल होते हैं दूर संचार क्षेत्र चिकित्सा क्षेत्र उपकरण विद्युत उपकरण ये सामान जो है शामिल होते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है इसको देख लीजिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दिया गया है तो इसका आशय पुनर्चक्रण लक्ष्य को पूरा करने संबंधी उत्तरदायित्व से इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उत्पादनकर्ताओं द्वारा ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण किया जाता है या कार्य पर्यावरण के अनुकूल होता है भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का केवल डेढ़ परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट जो है संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है अगर बात करें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तमिलनाडु हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का विघटन और पुनर्चक्रण करने के लिए अत्यधिक विद्यमान क्षमता विद्यमान है नेक्स्ट न्यूज की बात करें छठे न्यूज के इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है कन्वेंशन क्या है स्टॉक होम कन्वेंसन तो स्टॉक होम कन्वेंशन की दीर्घ अवधि कार्बनिक प्रदूषण को समीक्षा समिति की अठारहवीं बैठक हुई ठीक है इससे क्या निकल के आया इस समिति ने विचाराधीन पांच रसायनों के बारे में चार समीक्षा की पांच रसायन कौन कौन से हैं तो इसमें जो है डी क्लोरिन प्लस यू वी टू थर्ट थ्री टू टू एट मीडियम चैन क्लोरीनेड पैराफ्लिक्स यानी ज्वालामंदक लॉन्ग चैन पर फ्लोरोबोनसिक्स एसिड इसके अलावा क्लोरोपैरासिस कीटनाशक की ठीक है अब कुछ शब्दावली के बारे में उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं परसिस्टेंस आग ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऐसे रासायनिक कार्ब ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो लंबे समय तक पर्यावरण बने रहते हैं सजीवों में जय संचित होते रहते हैं मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं स्रोत से काफ़ी दूर जो है यात्रा कर पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं अब थोड़ा सा स्टॉक होम कन्वेंशन के बारे में कुल न्यूज़ में यही इंपॉर्टेंट है मतलब इसमें कन्वेंशन में तो यह एक वैश्विक कानूनी रूप से क्या है ये ध्यान रखना लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है स्टॉक होम कन्वेंशन 2001 में इसे स्वीडन स्टॉक होम में पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए भारत इसका एक पक्षकार है उद्देश्य क्या है मानव स्वास्थ्य पर और पर्यावरण की रक्षा करना 186 जो है इसकी पार्टीज है भारत दो में इसकी पुष्ट की ठीक है इसकी अब नहीं करने वाले देशों में जो है अगर बात करें कौन कौन से शामिल यूनाइटेड स्टेट इसराइल मलेशिया अनेक्स ऑफ स्टॉक होम की बात करें इसमें कुछ कैटेगरी कैटेगरी दी गई है इसके बारे में देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट कन्वेंसन है रोटेंडम कन्वेंसन ये जो कन्वेंशन बता रहे हैं ये आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के दृष्टि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ठीक है दो खतरनाक कीटनाशकों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूर्व सूचित सहमत की अनुशंसा की गई है रासायनिक समीक्षा समिति इप्रोडियोन और टर्बोफोस नामक दो खतरनाक कीटनाशकों की सिफारिश की गई है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इप्रोडियोन की लताओं फलों और वृक्षों सब्जियों पर उपयोग किया जाने वाला कवकनाशी है इसे कैंसर और पुनरुत्पादन के लिए विषाक्त के रूप में जाना जाता है इसके बाद टर्बू की बात कर लें टर्बू क्या है ये जो है मृदा कीटनाशक है इसे आमतौर पर ज्वार मक्का चुकंदर आलू जैस में इस्तेमाल किया जाता है 2015 में जो है अनुपम वर्मा समिति रिपोर्ट के माध्यम से जो है देखेंगे भारत में इन रसायनों को उपयोग की अनुमति दी गई थी भारत टर्बू का सबसे बड़ा निर्यातक देशों में से एक है अब इसमें कुछ शब्दावली दी गई है जिसमें बात की गई है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ये जो है प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जो है ये जो है यह प्रक्रिया रोटरडम कन्वेंशन का एक प्रावधान है यह प्रक्रिया खतरनाक रसायनों के भावी सिपमेंट से प्राप्त के इच्छुक आयातक पत्रकारों के निर्णय औपचारिक प्राप्ति प्रसार के लिए एक तंत्र है इसके तहत कन्वेंशन अनुबंध तीन में अनुसूचित खतरनाक रसायनों के निर्यातक पत्रकारों द्वारा इन निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है कुल मिलाकर आपको ये चीज़ ध्यान रखना है रोटोडम किससे संबंधित है रोटोडम जो है खतरनाक जो रसायन है उनके ट्रेड से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है आप ही रोटोडम कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं तो ये देखिए एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये कब लागू हुई उन्नीस में रोटोडम में एक हुआ था प्लेटिनो पोटोरिजिस सम्मेलन इसमें अपनाया गया है दो हज़ार चार में लागू हुआ था इसमें क्या शाम इसका उद्देश्य ध्या, ध्यान रखिएगा इसमें इसमें खतरनाक रसायनों को व्यापार के संबंध में देशों को सूचित देशों द्वारा सूच, सूचित निर्णय लेने में मदद करना है इसमें सेवेंटी टू हस्ताक्षर करता है ठीक है तो इसमें जो है खतरनाक जो है पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल रसायन जो है शामिल है और ये कानूनी रूप से बात करें तो बाध्यकारी दायित्व है ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है लीगली जो है बाध्यकारी दायित्व तो है इसके अलावा खतरनाक रसायनों के से संबंधित है अब रिपोर्ट एंड इंडेक्स की बात करें तो फटाफट देखते हुए चलते हैं स्टेट ग्लोबल वाटर रिपोर्ट्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ठीक है बाकी आपको पढ़ना है ठीक है स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 हजार इक्कीस किस द्वारा जारी किया जाता है वाटर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है अब सेकेंड रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है ठीक है सेकेंड रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल सॉरी लैंड रिस्टोरेशन फॉर रिकवरी एंड रेजिलियंस ये किसके द्वारा जारी किया जाता है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डिजर्टिफिकेशन द्वारा जारी किया जाता है ठीक है बाकी इसके बारे में पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ सेकेंड थर्ड uh, जो करंट अफेयर की सीरीज होगी उसमें बायोडावर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एक साल के न्यूज हैं उसको हम देखेंगे तो आपको ये करंट अफेयर सीरीज कैसी लगी इसके अलावा हमारी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी स्टडी एंड आई पर आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं सर्च कर सकते हैं अगर आपको क्लास थोड़ी सी पसंद आ रही है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर में